अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद माज। आपको इल्मी दोस्त डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल में वेलकम कहते हैं। आज की जो वीडियो है वो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो लेटेस्ट एडमिशन्स आए हैं उनके हवाले से है, तो उसकी डिटेल और एडमिशन के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह उसका एडमिशन भेजना है। ऑनलाइन भी है उसका, और बाई हैंड कैसे और कैसे किस एड्रेस पर एप्लीकेशन भेजनी है। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे, इल्मी दोस्त डॉट कॉम। तो वेबसाइट में आएंगे तो मेन पे एडमिशन्स का सेपरेट मेन्यू है ऊपर, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर जो यूनिवर्सिटी आ रही है वो ये फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल्स में जो है वो ऐड ओपन हो जाएगा। तो ये स्प्रिंग 2020 के एडमिशन्स ओपन हुए हैं। इसमें आप देखें कि बैचलर्स के एडमिशन है, एमएस एमफिल के, मास्टर एम ए एम एस सी डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन, इसमें BBA है, MBA है, कॉमर्स, MCOM, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स और अप्लाइड फिजिक्स में एडमिशन्स ओपन है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इस्लामाबाद कैंपस में जो HPL की ब्रांच है, 2000 रुपये का इसका एडमिशन चलान है, वो पे करके तो वहाँ से प्रॉस्पेक्टस ले सकते हैं। और अगर आप इस्लामाबाद में नहीं हैं या दूर हैं या वो विज़िट नहीं कर सकते तो 2200 रुपये का जो पे ऑर्डर है या बैंक ड्राफ्ट आपको भेजना पड़ेगा। तो इसकी डिटेल यहाँ पे नीचे ये ऐड है इसमें दी हुई है, ये हम देख लेते हैं इसे। ये वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बरए फ़नून एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सरवर्दी रोड 0 पॉइंट इस्लामाबाद, इसका एड्रेस है। दरख्वास्त फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 7 फरवरी 2020 बरोज़ जुमातुल मुबारक है। लास्ट डेट 7 फरवरी 2020 बरोज़ जुमातुल मुबारक है। तो बिज़नेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में BBA मॉर्निंग में एडमिशन ओपन है। 4 साल का ये प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर्स हैं। इसकी अहलियत का मेयार में इंटरमीडिएट है, ए लेवल या मसावी 45% नंबरों के साथ किसी मंजूर शुदा अदारे से है। फिर MBA है जिसमें सुबह शाम 2 साल प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर्स का। उसके पास डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, इसमें BS कॉमर्स के एडमिशन ओपन है, सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग में, 4 साल का ये भी प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर्स हैं। उसके बाद MCOM है, सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग है, ये भी 2 साल 4 सेमेस्टर्स होंगे इसके। तो इसकी अहलियत का मेयार में BCOM है, 45% नंबर चाहिए HEC के मंजूरशुदा अदारे से। फिर इसमें जो है वो MCOM वीकेंड में, यानी आपकी सिर्फ वीकेंड के जो लास्ट डेज होते हैं, वीकेंड्स होते हैं, उनमें आपकी क्लासेस होंगी, ये भी 2 साल प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर्स हैं। इसकी अहलियत का मेयार भी वही है, यानी BCOM कम अज़ कम 45% नंबरों के साथ। ये जो है जो लोग जॉब वगैरह करते हैं या डे में नहीं होता, ये उनके लिए होता है कि वीकेंड में यानी ऑफ डेज में वो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सके। उसके बाद उर्दू डिपार्टमेंट में एडमिशन ओपन है, इसमें BS उर्दू है, ये भी मॉर्निंग के लिए है, सिर्फ 4 साल का है और 8 सेमेस्टर्स होते हैं इसके भी। MA उर्दू मॉर्निंग में 2 साल और 4 सेमेस्टर्स हैं। इसके बाद इस्लामिक डिपार्टमेंट है इस्लामिक स्टडीज़ का, BS इस्लामिक स्टडीज़ मॉर्निंग में 4 साल और 8 सेमेस्टर्स। इसी तरह MA इस्लामियात सुबह 2 साल मास्टर्स प्रोग्राम है और इसके भी 4 सेमेस्टर्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है यहाँ से, ये PEC का मंजूरशुदा अदारा है, तो आप PEC की वेबसाइट से भी इसे कंफर्म कर सकते हैं। MS 2 साल 4 सेमेस्टर हैं। BA इसकी अहलियत का जो मेयार है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें BSc इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम कंप्यूटर पावर इंजीनियरिंग कम अज़ कम जो है वो 2.5 CGPA होनी चाहिए आपकी, और जो आपने ये BSc की हुई है ये भी किसी PEC के मंजूरशुदा अदारे से होनी चाहिए, और आपका PEC नंबर होना चाहिए। जो इंजीनियर होते हैं उनका एक PEC नंबर होता है, जो इसका इंदराज होता है उनका पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ, तो आप दाखिला फॉर्म में वो उसका इंदराज करना जो है वो ज़रूरी है, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उन्होंने। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसमें BS इकोनॉमिक्स का मॉर्निंग का प्रोग्राम है, 4 साल प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर है। BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, ये भी मॉर्निंग के लिए है, इसमें भी 4 साल का प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर्स हैं। MSc इकोनॉमिक्स है, ये मॉर्निंग का है, 2 साल का प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर है। उसके बाद फिजिक्स में आ जाता है, अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट में अप्लाइड फिजिक्स का प्रोग्राम है, BS का प्रोग्राम है, मॉर्निंग में इसमें एडमिशन है और 8 सेमेस्टर्स का ये है। इसमें जो DAE वाले हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो है वो इवनिंग में ले सकते हैं वो। फिर MSc है, वो भी मॉर्निंग इवनिंग 2 साल और 4 सेमेस्टर के साथ है। उसके बाद ये नीचे इन्होंने लिखा हुआ है, दाखिला फॉर्म इस्लामाबाद कैंपस में HPL के ब्रांच से 2000 रुपये की अदायगी पर हासिल किए जा सकते हैं, या 2200 रुपये बजरिया डाक पे आर्डर बैंक ड्राफ्ट बनाम फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी AST यानी FUU AST इस्लामाबाद कैंपस से भी हासिल किए जा सकते हैं। दाखिला फॉर्म जो है वो उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है,
ठीक है, लेकिन उसके साथ फिर आपको वही है कि मुबल्लग 2200 रुपये का पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट लगाना होगा। एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से मुनक्किद किया जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवार को आगाह किया जाएगा। दाखिला मेरिट की बुनियाद पर होगा। डिप्लोमा होल्डर के लिए महदूद नशीस, यानी डिप्लोमा होल्डर की सिर्फ एक ही प्रोग्राम में वो डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्लाइड फिजिक्स का BS फिजिक्स है, फिजिक्स डिपार्टमेंट का अप्लाइड फिजिक्स है, ठीक है। उसके बाद दाखिला मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा। दाखिला फॉर्म की तफसीलात और तमाम ज़रूरी कागजात वेबसाइट पर मौजूद हैं। तो अब हम फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो एडमिशन फॉर्म वगैरह है वो आपने कैसे फिल करना है और कहाँ पे वो अवेलेबल है। तो ये उनकी वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। तो आप एडमिशन्स में हम क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखें, ये उनके लिखा हुआ आ रहा है, जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म के साथ लगाने हैं। ये एडमिशन क्लोज लिखा आ रहा है, लेकिन ये इस वजह से लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये जो समर के एडमिशन थे उनके 2019 के, उसकी अपडेट्स लगी हुई है। बाकी ये अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एकेडमिक्स, मैट्रिक, ओ लेवल, एफ ए, एफ एस सी, बी एस सी, एम ए, एम एस सी, एम बी ए मार्कशीट लगेंगी। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाएंगे, ये आप कोशिश करें कि ब्लू बैकग्राउंड के साथ लगेंगी। अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC एफिडेविट लगेगा स्टैम्प पेपर पे, विद 2 विटनेस CNIC कॉपीज़ जो अटैच भी होंगी। नेट कैट का रिजल्ट कार्ड लगेगा जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। तो इनकी वेबसाइट पे फॉर्म जो है वो अवेलेबल है। तो ये वेबसाइट का मेन पेज है, मेन पेज पे तो एडमिशन फॉर्म इनका अवेलेबल नहीं है। हम दोबारा एडमिशन्स पेज पे ही जाते हैं, वहाँ पे दोबारा चेक करते हैं। ये फॉर्म जो है ये अवेलेबल है, ये उनका कोई नोटिस भी है। ये अभी तक उनका वो एडमिशन क्लोज जो लिखा हुआ आ रहा था वो इसी वजह से आ रहा था कि वो ये इनका जो 2019 का स्प्रिंग है, अभी वेबसाइट अपडेट नहीं हुई, तो ये उसका ऐड लगा हुआ था, उसका एडमिशन। ये आप एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो जो इनका एडमिशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। ये 5.234 MB का एडमिशन फॉर्म PDF में अवेलेबल है। तो ये डाउनलोड हो गया, इसे ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप बहार टिक करेंगे, 2019 आ रहा है, यहाँ पे आप 2020 करेंगे, 1 को क्लिक क्लोज कर देंगे। ये एक तस्वीर लगाएंगे, 3-7 जो है वो अटैच करेंगे। जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है वो लिखेंगे, सुबह में लेना है या शाम में लेना है, यानी मॉर्निंग इवनिंग जो में लेना है आपने। शोभा आएगा और दर्जा आ जाएगा। ये शोभा और दर्जा जो है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिपार्टमेंट जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और दर्जा यानी जो डिग्री आपने करनी है लाइक BBA। यहाँ पे दरख्वास्त गुजार अपना उर्दू के अंदर नाम लिखेगा, उसके नीचे अंग्रेज़ी में लिखेगा, फिर वल्दियत लिखेगा, कौमी शनाख्ती कार्ड लिखेगा, तारीख़ पैदाइश अपनी लिखेगा, और अपना जेंडर सेलेक्ट करेगा, यानी वो मेल है या फीमेल है। सरप्रस्त का पता अगर वालद हैं तो उन्हीं का ही दोबारा आ जाएगा। मौजूदा डाक का पता जहाँ पे आपकी फ़िलहाल रिहाइश है आप वो लिखेंगे। ईमेल पता अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद पोस्टल कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और मुस्तकिल पता जो आपके आईडी कार्ड पे आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका मौजूदा पता ही परमानेंट एड्रेस है तो आप वो लिख देंगे। दफ्तर का पता अगर मुलाजिम है तो, क्योंकि वीकेंड जो प्रोग्राम होता है वो मोस्टली एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो करते हैं, तो ये उनके लिए है। यहाँ पर आप अपने पिछले क्वाइफ लिखेंगे, नाम इमरजेंसी, यानी अगर आप वालद वालदा या किसी और रिश्तेदार का देना चाहें तो ये उसके हवाले से है। उसके बाद ये साइन करेंगे, नाम तालब इलम जो है ये आपके जो आप जहाँ पे सबमिट करवाएंगे वो आपको काट के देंगे। इसके साथ जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बता चुका हूँ वो आप अटैच करेंगे, और जो लास्ट डेट है फरवरी की, उससे पहले पहले आपने ये फॉर्म जो है वो जमा करवाना है, या पोस्टल अगर आप पोस्ट करना है तो वो एड्रेस भी जो है वो मेंशन है एड्स के अंदर, जो यूनिवर्सिटी का एड है, ये रजिस्ट्रार का जो है वो अवेलेबल है। ये फॉर्म आप जो है इनकी वेबसाइट जो एड हमारे एड अगर विजिट करें, वेबसाइट विजिट करें तो वहाँ पे मेंशन है एड में www.fuuastisp.edu.pk। ये मेंशन है हमारी वेबसाइट पे, आप वहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। और अगर अभी तक आपने हमारा
चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को पुश कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली अपडेट्स बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।